नमामि धन्वन्तरिमादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार मीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्कार, आप सभी को वैद्य अरविंद पाठक जी का अभी हम इंतजार कर रहे हैं। पंच भौतिक चिकित्सा के अंतर्गत आज का जो हमारा सत्र है ये अभी आपके सामने प्रस्तुत है। फेसबुक लाइव पर ये जा रहा है, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो लेक्चर्स को लगातार जुड़ना चाहते हैं तो वो आयुष दर्पण के साथ जुड़े 9410379397 नंबर पर संपर्क करें। कल आयुर्वेद संभाषा एक हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, जहां पे भारत के श्रेष्ठ वैद्य अपने क्लिनिकल केसेस को चर्चा करते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है ये भी आपको वैद्य जी बताएंगे। ये टॉपिक गृहिणी रोग की पंच भौतिक चिकित्सा, गृहिणी रोग और पंच भौतिक चिकित्सा सिद्धांत पर आज चर्चा होगी। यहाँ पे शैलजा आनंद जी, माधुरी गोले जी, सविता पेठे जी, राम कुमार जी, कांचा श्रीवास्तव जी, अरविंद पाठक जी आ गए हैं, मनीषा सिंह जी, डमानी जी, आप सभी का मैं नवीन जोशी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को भारत के आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा, सभी लोग तिरंगा लहराएं अपने अपने घरों में। और वैद्य अरविंद पाठक जी आपका स्वागत है, मैं आपको होस्ट बनाता हूं। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पांच भौतिक चिकित्सा का हमें अभी पढ़ाई शुरू करना है। एक मिनट बस मुझे लैपटॉप पे आ जाने दीजिए, एक मिनट बस। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अभी आप लोगों को पांच भौतिक चिकित्सा जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पांच भौतिक चिकित्सा में गृहिणी रोग को पांच भौतिक के हिसाब से किस तरह से देखा गया है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पहले सब लोगों को म्यूट कर देता हूं, पहले मैं वक्तव्य दे दूंगा और उसके बाद में आप लोग आइएगा और अपना अपना डिस्कशन करिएगा, क्योंकि पांच भौतिक के हिसाब से गृहिणी रोग को बहुत ही महत्व दिया गया है। गृहिणी रोग जो रहता है वह मतलब बहुत सारे हमारे पास गृहिणी के पेशेंट आते हैं, तो इसका क्या दृष्टिकोण है वह देखना बहुत जरूरी है, तो मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। गृहिणी रोग जो है ना, इसका स्वरूप जो है वह चीरकारी है, मतलब क्रॉनिक अवस्था में रहता है। और निदान अगर देखते हैं, इसका हेतु देखते हैं, तो कारण परंपरा से अतिसार के बाद में अग्निमंद होते हुए अपत्य आहार का सेवन करना, मतलब अग्निमंद भी है, अतिसार हुआ है पहले और अग्निमंद भी है,
उसके बाद में अपत्यकर आहार सेवन कर रहे हैं, जैसे कि बासी खाना खा रहे हैं, फ्रिज का पदार्थ खा रहे हैं, फिर उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बाहर का चटपटा खा रहे हैं, अति शीत पदार्थ खा रहे हैं जो बॉडी के लिए साथ में नहीं है वो खा रहे हैं, अति गुरु पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, अभिसंधि अन्नपान का, जैसे कि आजकल प्रचलन के साथ मिल्क शेक पीने का, प्रोटीन शेक पीने का, फ्रूट मिल्क शेक, मतलब फ्रूट डाल के और दूध डाल के और पी लो मिक्स फ्रूट शेक, ये सब पीने से क्या होता है, अभिसंधि पदार्थ बहुत खाना, भैंस का दूध पीना, नमक वाले चीजें बहुत ज्यादा खाना, ये दीर्घ काल तक किया जाता है तो इससे क्या होता है, ग्रहणी दृष्टि हो जाती है। फिर अत्यंबू पान पीना, बहुत ज्यादा पानी पीना, एलोपैथी के डॉक्टर्स तो यही ज्ञान देते हैं कि आप बहुत ज्यादा पानी पीजिए, 7-8 लीटर 10-12 लीटर आप पीते रहिए, जैसे वॉशरूम में पानी डालते हैं ना, वैसे ही बोलते हैं कि आप पानी पीते रहिए, उनमें क्योंकि अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये और भी बहुत सारे अग्निमंद करने वाले हेतु हैं, इनसे ग्रहणी व्याधि उत्पन्न हो जाता है। तो एक तरह से हम लोग देखेंगे तो इसमें ग्रहणी रोग में अम्लधर्मीयता जो है वह बढ़ जाता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान अन्नपान का सेवन किया जाता है, पार्थिव द्रव्य और जल वाले पदार्थ ये ज्यादा किया जाता है तो शीत गुण की वृद्धि हो जाती है, आमाशय में पृथ्वी और आप इसका आवरण हो जाता है, और उससे क्या होता है कि तेज गुण जो है उसका क्षय होता है, तेज महाभूत जो है वो मंद हो जाता है, संपूर्ण पचन मार्ग में ये प्रॉब्लम होने लगता है। इससे क्या होता है कि जो भी आहार खाया जाता है उससे अपक्व आहार रस की निर्मित होती है, और स्थूलांतर में भी मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर भी द्रवत्व का अयोग्य शोषण होता है, क्योंकि अग्निमंद है, शोषण करने की जो क्रिया है, हम लोग समान वायु के उसमें पढ़ते हैं कि अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचति मुंचति च, तो शोषण करने का जो है मुंचति और आहार कट्ट विभाजन होने के बाद जो शोषण क्रिया है वह भी अग्नि पे अवलंबित रहता है, यहाँ पे द्रव का अयोग्य शोषण होता है, और उससे क्या होता है अपक्व मल प्रवृत्ति होती है, अपक्व मल प्रवृत्ति होगी तो उसकी वजह से मोहर बद्धम मोहर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है, कभी बंधा हुआ आएगा कभी लूज मोशन आएगा, और इसके वजह से क्या होता है आगे बढ़ बढ़ के आंतर बल का क्षय हो जाता है, बार बार प्रवाहन करना पड़ता है, और ग्रहणी दृष्टि हो जाती है, खाया पिया पछता ही नहीं है, भिंडी खाया भिंडी वैसे ही निकल जाता है, जो भी खाया कोई भी चीज खा रहे हैं ना वो आधा कच्चा आधा पक्का उसी तरह से निकल जाता है, तो इसको ग्रहणी बोलते हैं। एलोपैथी में सेम सिम्टम्स वाले आईबीएस रहता है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, उसका इलाज नहीं है। इसमें उदर परीक्षण करते हैं तो यकृत घन लगता है, प्लीहा भी घन लगता है, जीवा है वो सामता बहुत ज्यादा रहती है, और दोनों वृक्कों में देखेंगे किडनीज के तरफ पालपेट करेंगे तो पीड़ना असहत्व ऐसा सिम्टम दिखता है। यह व्याधि जो है यह कष्ट साध्य व्याधि है, और इसमें अतिरिक्त द्रवत्व का शोषण होता है, नहीं इसमें चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो द्रवत्व का शोषण करने वाले द्रव्य ऐसे देना पड़ता है, मैं आगे मेडिसिन बता रहा हूं, और अग्नि बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है, और शीत गुण कम करने वाले उष्ण तीक्ष्ण गुण का प्रयोग करना पड़ता है, तभी फायदा हो जाता है। तो इसमें औषधि द्रव्य कौन से हैं, तो क्षारधर्मी द्रव्य, और जो अग्नि को बढ़ाए और वहां की कला को अच्छा करे उसके लिए लघु सुचेकर रस, एक रत्ती सुबह एक रत्ती शाम को व्यानोदान काल में, खाना खाने के बाद दोपहर में और रात को दिया जाता है। तो इसमें लघु सुचेकर का अगर कंटेंट देखेंगे तो क्या होता है, शुंठी जो होता है, शुंठी और स्वर्ण गरिक पे तीन भावना शुंठी के क्वाथ की रहती है, मतलब शुंठी और स्वर्ण गरिक है इसमें, जो पांच भौतिक चिकित्सा का मेडिसिन है लघु सुचेकर पांच भौतिक वाला। तो इसमें क्या होता है कि शुंठी है वो दीपन कार्य करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, आम का पचन करता है, दीपन पाचन, और ग्राही है पूरे पानी को शोष लेता है, सुखा लेता है, और द्रवत्व शोषक है, इसलिए ग्रहणी रोग में जो द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ गया, शोषण गुण कम हो गया, इसलिए उसको देते हैं। इसी तरह से स्वर्ण गरिक जो है वो उसका कार्य है वो पार्थिव द्रव्य है, लेकिन उसको शुंठी की भावना दी जाती है, तो उसमें द्रवत्व शोषक ये गुणधर्म बढ़ जाता है, वो पूरा पानी को सुखा लेता है, जैसे कि आपके मतलब खेत में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया, वहां मिट्टी डाल देंगे तो पूरा पानी अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो जो कीचड़ बनना है वो प्रोसेस नहीं होगा। इसी तरह से स्वर्ण गैरिक जो है वो द्रवत्व को शोषण कर लेता है, यह कल्प है अतिरिक्त द्रवत्व शोषण करके अग्निदीपन पाचन करके बहुत अच्छी तरह से उपयुक्त रहता है, इसलिए लघु सुचेकर रस का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इसमें प्रवाल भस्म और मंडूर भस्म, इसका प्रयोग किया जाता है, प्रवाल भस्म 30 mg और मंडूर भस्म 20 mg, ये व्यानोदान काल में खाना खाने के बाद देते हैं, तो इससे क्या होता है कि मल का प्रवाहन जो होता है वो कम होने से आंत्र में बल की वृद्धि हो जाती है, सप्त धातु का बल वृद्धि हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ जाता है।
इसके बाद में प्रवाल भस्म और मंडूर भस्म, ये याद रहेगा। मंडूर भी पार्थिव है और प्रवाल जो है वो क्षार होके भी वहां पे मतलब द्रवत्व को कम करता है और दीपन पाचन कार्य करता है। प्रवाल भस्म ये कार्य करता है क्षार्यता को कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग नींबू के रस की भावना देते हैं, मतलब अम्ल द्रव्यों का भावना देते हैं, तो प्रवाल भस्म बनता है। फिर आता है तीसरा द्रव्य पंचामृत परपटी का आता है, तो पंचामृत परपटी जो है ये 100 mg देते हैं समान काल में, मतलब थोड़ा सा खाना खा के फिर खिला देते हैं पंचामृत परपटी, फिर खाना खाने के पहले देते हैं, गर्म पानी के साथ देते हैं। अपान काल में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, यह क्या करते हैं पक्वाशय में जाता है, खाना खाने के पहले दिया तो अपान के क्षेत्र में काम करेगा, और समान वायु पे काम करना है तो खाने के साथ में देते हैं, तो यह समान वायु और ग्रहणीय अवयव पे बहुत ही उपयोगी पंचामृत परपटी रहता है। यह कैसा है तो क्षार धर्मी द्रव्य है और दीपन पाचन कार्य करता है। क्षार धर्मता होने की वजह से जो ग्रहणी रोग जो है वह अम्ल धर्मी रहता है, जहां पे पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आंत्र बल को बढ़ाने के लिए भी पंचामृत परपटी का प्रयोग करते हैं, जो क्लेद को पानी को सुखा के दीपन पाचन करके ग्रहणी कला को अच्छा कर देता है। फिर चौथा द्रव्य आता है शंखवटी। शंखवटी जो है वो 250 mg देते हैं सुबह शाम गर्म पानी के साथ, या मुख्यतः प्रवाहिका में या कफज ग्रहणी में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, दीपन पाचन और द्रवत्व शोषक करके शंखवटी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। फिर होता है पाचन योग। पाचन योग जो है पांचभौतिक चिकित्सा का है पाचन योग, ये 125 mg से 250 mg तक देते हैं सुबह शाम देते हैं खाना खाने के बाद में व्यानोदान काल में, यह मुख्यतः वातज पित्तज ग्रहण में उपयुक्त रहता है और उदर शूल पूर्वक मल प्रवाहन हो तो द्रवता शोषक है और शूलहर है, इस तरह से पाचक योग ये दिया जाता है। शंख भस्म दिया जाता है छठवा द्रव्य 60 mg के मात्रा में शंख भस्म व्यानोदान काल में देते हैं खाना खाने के बाद में, यह भी दीपन पाचन है, विशेष रूप से द्रवत्व का शोषण करता है, कफ का शोषण करता है, और जिसमें मलवेग और द्रवता और स्थानता अधिक होती है, जिसमें मलवेग होए द्रवता है स्थानता बहुत ज्यादा चिपका चिपकापन बहुत ज्यादा है, उसमें लघु सूर्य शेखर के साथ शंख भस्म देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ग्रहणी रोग में पथ्य है तो तक्र देना चाहिए, मुद्गयूष देना चाहिए, लाजा देना चाहिए और लाजा मंड देना चाहिए। लाजा आप लोगों को मालूम है कि हम जो खिल होता है खिल के पाउडर को पीस के मतलब वो पाउडर का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ही बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। अभी आप लोग थोड़ा कुछ बोलिए फिर मैं और बताऊंगा मराठी की बुक से पढ़ के। आप लोगों ने पांच भौतिक चिकित्सा के ये जो है पृथ्वी और आप महाभूत इससे क्या समझा, आकांक्षा मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कुछ भी बोलिए अच्छा बुरा जो भी बोलेंगी सुनने लायक है आपका। आकांक्षा मैम अनम्यूट कर पा रही है क्या? सर मैं अनम्यूट कर पाती हूँ लेकिन सर मैं थोड़ा बाहर हूँ ना, तो इसलिए मैं सर ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, और कोई करना चाहता है? आशा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, आपको क्या समझ आया? आशा मैम मनीषा मैम कुछ बोलिए आप लोग। सर वो विंड दूर से आया ना बाहर से, तो आज मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी। कोई और बोलना चाहते है तो बोल सकते है। हेलो प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आपको क्या समझ आप बताइए। सर एक यही मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें जो भी शंख भस्म या शंखवटी पंचामृत परपटी जो है जो पंचभौतिक के तरीके से बनाई गई है वही लेनी है या दूसरी वही लेनी है? और वो सब क्षार धर्मी है जी, पंचभौतिक के हिसाब से लेते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, कम मात्रा में बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है जी। सर इसमें यही मुझे समझ आया कि ग्रहणी जो है उसे अमल धर्मी व्याधि के व्याधि है, और इसमें ये सभी जो द्रव्य दिए गए हैं आपने जो बताए हैं ये क्षार धर्मी है, तो उसको बैलेंस करके जैसे दीपन पाचन करके और अग्नि का वर्धन करते हैं और उससे इसको हम ठीक कर सकते हैं जो ग्रहणी रोग है जी। बहुत अच्छा बताया आपने, मतलब आप समझ गई जो मैंने बताया, इसमें लघु सूर्य शेखर देते हैं, प्रवाल भस्म और मंडूर भस्म देते हैं, पंचामृत परपटी देते हैं, शंखवटी देते हैं, पाचन युग देते हैं, शंख भस्म और लघु सूर्य शेखर देते हैं, ये मेन द्रव्य। अब मैं मराठी किताब पढ़ूंगा, मराठी में देखूंगा और बोलूंगा हिंदी में, इतना फास्ट देखिए मेरा कितना फास्ट है। पाचन युग बताया उसके कंटेंट्स क्या है एक्सप्लेन कर देंगे? पाचन योग जो रहता है बहुत बार ये देते हैं ये हमारा चातुर्थक योग जो है ना, जो रसात्मक द्रव्य है मेदोपाचक, मेदुपाचक जो हमारा आयुर्वेद का है वही देते हैं। एक तरह से जो रहता है ना
वह क्या करता है, पूरा द्रवता को सुखा देता है और आम का पचन करता है। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए सर। इसमें जैसे द्रवता की मात्रा बढ़ती है उसमें ग्रहणी में अतिसार में, तो ये इसको जो हम कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं करने के लिए। जी बैलेंस करने के लिए शुद्ध से खरस, लघु शुद्ध से खरस। तो अम्लता है तो क्षार को देकर के इसको न्यूट्रल करते हैं सर। इसमें एक सेंटेंस जैसे बताए थे सर आपकी आईबीएस में ये उतना कार्य नहीं करता, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आईबीएस में एलोपैथी कुछ काम नहीं करता है, मैंने कहा आयुर्वेद ही काम करता है, ये बोला मैंने। जी जी। तो इसमें शुद्ध से खरस और प्रवाल भस्म मंडूर भस्म जैसे जल की मात्रा को शोषण करता है सर जी। और वायु को भी समान वायु को भी साथ में हमको देते हुए दीपन पाचन करना रहता है साथ में प्रवाल पंचामृत परपटी के साथ जी। और शंखवटी और शंख भस्म के साथ। तो सर जो हम लोग औषधियां देते हैं और पंच भौतिक में दोनों में समानता तो यही है ना सर, कि अम्लता को कम करने के लिए हम देते हैं औषधियां, योग बनाते हैं। हाँ, उसमें हम दोष देखते हैं, इसमें हम महाभूत देखते हैं। महाभूत देखते हैं सर। ऐसा है कि महाभूत देखते हैं तो पृथ्वी और आप बढ़ा हुआ है, शीत गुण की वृद्धि है, तो हम लोग ऐसे देते हैं कि आकाश वायु और अग्नि बढ़े, ऐसे बढ़े, ऐसे देते हैं। तो सर इसमें तो ज्यादा बेटर है हमको इसके लिए महाभूत को देखते हुए यदि हम चिकित्सा करें तो ज्यादा अच्छा। हाँ, पांच प्रतिपादित कर सकते हैं जी। जी सर जी, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलिए सर। हाँ सर बोलिए सर। प्रवाहिका और ग्रहणी में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा सेम रहेगा? इन्होंने जो पांचवधिक चिकित्सा है ना, प्रवाहिका में भी वही सब रहता है कि मतलब पृथ्वी और आप बढ़ा हुआ रहता है जी। तो सर जो विरेचन करने का जो है एडवाइस, आमातिसार में तो जहां आम रहेगा तब हम पहले विरेचन करके बाद में ये सब करना चाहिए। हाँ, विरेचन या अनुलोमन बोलते हैं उसको, हरित अनुलोमन। हाँ जी जी। और आशा मैम आपने बोला ना, थोड़ा भी समझ में आया है वो मैं बोल देती हूँ। और ये पाचक योग जो है ना, ज्वर पाचक योग, ये भी बताया जो इसमें हम लोग षडंग पानी का यूज करते हैं, घने चंदन शुंठी अम्बू, ये है मतलब इसका ज्यादातर यूज होता है। हाँ आप बोलिए आप। हाँ सर, जैसे बेसिकली ग्रहणी जैसे आयुर्वेद में आमज दृष्टि की वजह से होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे पृथ्वी और जल महाभूत की वजह से जो पित्त की द्रवता और आमता बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, उसको बेसिकली यहाँ पे कारणभूत माना गया है। हाँ, कम होती है सॉरी। तो उसको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी वायु और आकाश, सॉरी वायु आकाश और तेज महाभूत को बैलेंस करने वाले द्रव्य जो कि क्षारीय गुणधर्म वाले हैं उसको यूज करते हैं, जिसमें आपने बताया चातुर्थक योग, पाचक योग, शंख भस्म, शंखवटी। ओके, इसको आईबीएस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि सिम्टम सारे ग्रहणी के और आईबीएस के सेम जैसे ही आते हैं। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना हो तो आप प्रवाहिका, आमातिसार, आमज ग्रहणी, वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी उसके साथ कर सकते हैं जी। और मुझे तो लगता है कि एसआईटीस के पहले भी जो ग्रहणी दृष्टि के लक्षण मिलते हैं उसका भी इसके साथ हम लोग कोरिलेशन कर सकते हैं। बराबर सर। आम के पाचन के लिए इसको हम लोग निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आम आम जैसे है पेशेंट को, तो उसके लिए हम लोग जैसे आम पाचक बटी, आम दोष के लिए हम लोग जैसे शोधन तो देते हैं, उसके हिसाब से हम देते ही हैं। ये पांच भौतिक में ये जो मेन द्रव्य बताए ना, लघु सुचेकर, ये है। तो इसको लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं ना सर, जैसे जो पांचवधिक चिकित्सा है वो लंबे समय तक देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कम डोज में ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है हमारा। अच्छा सर, पांचवधिक का डोज ही इतना कम होता है और इफेक्ट इतना फास्ट होता है ना कि जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। इसमें आई थिंक ये लोग जो भावना देते है ना सुंठी वगैरह की, उससे एफिकेसी बढ़ती है किसी भी मेडिसिन की, है ना। आपका बात सही है, यही होता है। ठीक है सर। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, आप बोलिए जी। सर ये मेडिसिन कैसे अवेलेबल होती है सर? जो मैं उसका लिस्ट आपको भेज दूंगा और कहाँ अवेलेबल होती है वहां से मंगवा सकते हैं, या तो मैं भेज दूंगा जी सर। सस्ती होती है, बहुत सस्ती होती है। अच्छा सर, और इफिकेसी भी अच्छी लग रही है। हाँ, कम टाइम लेती हूँ, बहुत कम डोज में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है।
जी सर, जी सर। गरीब को भी दे सकते हैं, अमीर को भी दे सकते हैं। हाँ सर, ये तो अच्छी बात सर जो है, नहीं तो लोग कंप्लेन करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई महंगी पड़ती है। आप ना जैसे एक किलो लघु सूत्र शेखर है ना, वो आप 2 साल चला सकते हैं। अच्छा अच्छा जी सर, उसका डोज इतना कम और बहुत ज्यादा इफेक्ट है। यहाँ पे आप 2-2 गोली 4-4 गोली देते हैं, वहां पे इतना कम रहता है कि मतलब एक गोली जो यहाँ पे दे रहे हैं उसका 1/10 भाग उतने में काम हो जाता है। जी सर, जी सर। सर क्वेश्चन था, मेडिसिन अगर हम मंगाते हैं तो उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पात्र या जैसे मिट्टी का या कांच का पात्र ही यूज करना हो, ऐसा कुछ रहेगा क्या इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं रहता है, कांच के बॉटल में रख सकते हैं। और आप एक किलो ही क्यों मंगाएंगे, मैं तो एक एग्जांपल दिया, आप एक एक पाव मंगाइए ना, 100-100 ग्राम मंगाइए। ओके, नहीं मतलब जैसे नॉर्मली वो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रिजर्व करके रखना है, मतलब एयरटाइट कंटेनर में, तो आई थिंक कांच की जार बेटर रहेगी। और आप 1 किलो मत मंगवाइए ना, थोड़ा थोड़ा मंगवाइए, बस हो जाएगा हमारा काम। जी जी सर। सर गृहिणी के पेशेंट में मुझे सर एक चीज बड़ी कॉमन मिली जो पिछली लेक्चर में मैंने देखा कि ऐसे मरीज पानी बहुत पीते हैं सर जो है, और स्पेशली सुबह उठ के पीते हैं, 1-1 लीटर 2-2 लीटर तक पी जाते हैं, और कोई कोई इसमें गुनगुना पानी पीते हैं, तो कारण पूछने पर कहते हैं कि लोग ज्यादा पानी पीने से पेट साफ रहता है इसलिए पीते सर। हाँ तो वही ना कॉन्सेप्ट है, पेट साफ हो और मतलब मल प्रवृत्ति हो इसलिए, लेकिन वो गलत है। जी जी जी, पानी को भी अग्नि की प्रक्रिया होनी पड़ती है, और अग्नि को मान कर पृथ्वी और आप बढ़ा रहे हैं, आप जी पदार्थ भी खा रहे हैं और आप वैसे कर रहे हैं तो फिर नहीं होता है, पानी भी उठेगा, खाना भी उतना ही खाएगा, तो पृथ्वी और आप बढ़ेगा ही बॉडी में। जी जी जी, तो मेरी समझ में यही सर, ज्यादातर लोग जो यही गलती करते हैं, सुबह उठ के बहुत ज्यादा पानी पीते हैं जी, और पानी कम कराना पड़ता है तो उनको फायदा हो जाता है सर जी। एक्चुअली यहाँ पे पित्त की द्रवता कम हो रही है ना, तो उसकी वजह से तृष्णा वेग ज्यादा आता है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता कम हो रही है, तीक्ष्णता भी कम हो रही है और द्रवता भी कम हो रही है, तो जो पित्त घट हो जाता है ना उसकी वजह से पेशेंट को ज्यादा प्यास लगती है, तो वो ज्यादा पानी पीता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है ना आमज ग्रहणी या कोई भी ग्रहणी में। तो आई थिंक जो ये शरद पानी का यूज है ना वो बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि वो हम लघु करके देते हैं तो वो पचन में भी इजी रहता है जी। सर, पेशेंट को सर मैंने देखा है कि उनको दीपन पाचन औषधि दे सकते हैं, कि हम जीरा या उसके अजवाइन वो तो हम देते हैं, वो तो हम दोषों की चिकित्सा में देते हैं, पांचपथिक चिकित्सा पे बात हो रही है, वो तो हम देते हैं, वहाँ पे हम लंघन भी कराते हैं, वो सब करते हैं, यहाँ पे अलग थोड़ा चल रहा है। सर हम यहाँ जो औषधियाँ हैं तो हम अपनी जो हम दोषों के अनुसार हम बस वो सकते हो करते हैं, वो जो करेंगे तो भी इफेक्ट तो आएगा ही, पर ये हाँ, लेकिन ये पांच भौतिक मात्रा ज्यादा देना पड़ता है, पांच भौतिक का कंसिडर करके देना है। सर ग्रहणी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जी बोलिए। ग्रहणी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे सर? मूरबद्धम मूर्द्रवम मल प्रवृत्ति, कभी लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। बाकी डिसीज के साथ सर? प्रवाहिका में क्या होता है, प्रवाहन करके आता है मल प्रवृत्ति, और म्यूकस आता है बहुत ज्यादा, पेट में दर्द होता है, उसमें अर्जेंसी एंड हरीनेस बहुत रहता है कि अभी तुरंत भागना है, तुरंत भागना है, एक घुट पानी भी पिया तो प्रवाहिका में भागना पड़ता है। यस सर। ग्रहणी में ऐसा नहीं होता है, और अतिसार में तो लूज मोशन हो रहा होता है, अगर पेट दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा तो विसूचिका होता है। इसी तरह से विलंबिका है, वो खाना पड़ा ही रहता है, विलंब से जाता है, एक अलसक होता है, उसमें आलसी की तरह बैठा रहता है, ना ऊपर आता है ना नीचे आता है, उसमें अलसक रहता है, ऐसे तो बहुत। अजीर्ण, अजीर्ण का खाया पिया पचता ही नहीं है, खट्टी ढकार आती है, अब खाया पिया पचता ही नहीं है। ओके सर। सर जहाँ जो म्यूकॉइड स्टूल है दिन में 10-15 बार जाना पड़ता है और पेन एब्डोमेन रहता है, उसको आमातिसार कहेंगे या नहीं? प्रवाहिका में वो कन्वर्ट, प्रवाहिका होगा उसमें निकलता नहीं, तो लोग प्रवाहन करके निकालने का कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है सेगमेंट कोलम में वायु का प्रकोप होता है और छिल जाता है, कभी कभी छिल गया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, मैं अभी मराठी में पढ़ूंगा और हिंदी में बोलूंगा, इतना फास्ट कोई नहीं पढ़ सकता मुझे, क्योंकि मेरा ये हुआ ना, मराठी लोग भी नहीं बोल सकते इतना, मराठी में पढ़ के हिंदी में बोलना, करूँ क्या स्टार्ट? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं सर, आप करिए स्टार्ट। ठीक है,
स्टार्ट करिए सर। हाँ मैं मराठी देखूंगा और हिंदी बोलूंगा। इसमें बोल रहे हैं कि चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 जो है ग्रहणी चिकित्सा, उसमें तीसरा और चौथा नंबर का श्लोक है। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। आयु वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचय प्रभा, मतलब आयु और वर्ण बल स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा ये सब अग्नि पे ही अवलंबित रहता है। ओजस तेजो अग्नय ओजवित अग्नि पे ही अवलंबित रहता है। प्राणश्चोक्ता देहाग्नि हेतु का प्राण भी देह की अग्नि जो है जठराग्नि उससे ही अवलंबित रहती है। शांतो अग्नि म्रियते अग्नि अगर शांत हो गई तो मृत्यु हो जाती है। युक्ते चिरंजीवत्य नामय मतलब अगर ये युक्त रहे अच्छा अग्नि रहा तो चिरंजीव मतलब आयु जो रहता है बहुत ज्यादा आयुष्य बढ़ जाता है। रोगी स्यात विकृते मूलम अग्नि तस्मत निरुच्यते इसीलिए रोगी का मतलब रोगी अवस्था आना या प्राकृत अवस्था आना यह सब अग्नि पे ही डिपेंड रहता है। अग्नि को मूल बताया है ग्रहणी चिकित्सा में ऐसा बताया। अग्नि की प्रशंसा बताई है कि आकाश में विलीन हुए सारे महाभूत एक दूसरे से पृथक होते समय अपना विशेष धर्म न छोड़ के अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि जब पंच महाभूत से सृष्टि की निर्मिति होती है तो आकाश से ही सब बनते हैं तो सब अपना अपना गुणधर्म दिखाते हैं। और स्थावर जंगम सृष्टि का कारण जो रहता है उसमें प्रत्येक महाभूत का विशेष गुण उसमें प्रत्येक महाभूत का सभी गुण हमें सभी प्राणियों में दिखाई देता है। तो जब तेज महाभूत का हम लोग देखते हैं तो उसका हम लोग अगर देखते हैं तो तेज का अगर हम देखेंगे तो आंखों पे उसका इफेक्ट होता है और आलोचक पित्त ऐसे में समझ आता है क्योंकि आलोचक पित्त के वजह से ही हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। गर्भ जैसे ही उत्पन्न होता है तो गर्भ की उत्पत्ति में हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही शुक्र शोणित संयोग होता है तो अन्य महाभूतों के जैसे ही तेज महाभूत का कार्य शुरू हो जाता है और उसके वजह से ही अलग अलग तेज महाभूत के वजह से शरीर में जरन शक्ति होने लगती है जो गर्भस्थ बालक होता है। और जरन शक्ति के वजह से जब बच्चा जन्म लेता है तो फिर उसका पचन क्रिया होने लगता है। जो भी आहार द्रव्य खाएंगे वह जरन शक्ति पे ही निर्भर करती है वो पचेगा और शरीर का पोषण होगा। निरोगी अवस्था जो है वह जिस तरह से नौका रहती है नौका जो है अगर व्यवस्थित चल रही है तो इंसान पार हो जाता है। अगर नौका इधर उधर हुई तो नौका डूब जाती है। वैसे ही अग्नि जो है अगर जरन शक्ति बीमार हुई खराब हुई तो इंसान भी बीमार पड़ जाता है। तो अग्नि शांत होना मतलब शरीर का चैतन्य नष्ट हो जाना मतलब जो चेतना है वह कम हो जाना ऐसा है। शरीर में जितने भी धातु हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब धातु हैं उनका पोषण होना उनका वर्धन होना यह सब अग्नि पे ही अवलंबित रहता है। और जाठराग्नि को तीन चीजों में डिफ्रेंशिएट किया है एक भूताग्नि धातुवाग्नि जाठराग्नि और इनमें मुख्य रूप से जाठराग्नि ही मेन रहता है। और यह अगर सम अवस्था में रहता है तो हर तरह की अग्नि अच्छी रहती है धातुओं का पोषण अच्छे से होने लगता है। अगर ये विकृत होने लगती है तो वृद्धि होने लगेगा धातुओं का या क्षय होने लगेगा। तो इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि अग्नि का संरक्षण करना चाहिए। अब हम शरीर में देखते हैं पूरा मानवीय शरीर में देखते हैं तो अग्नि को कौन कहाँ पर रहता है अग्नि तो ग्रहणी में पित्त धारा कला रहती है और यहाँ पर तेज महाभूत का स्थान बताया है। पूरा शरीर में अगर हम लोग देखें तो ग्रहणी में ही तेज महाभूत मेन रूप से रहती है जहां पर पाचक पित्त का स्थान होता है। और भी जगह पित्त है अग्नि है जैसे आलोचक पित्त आंखों में है फिर हृदय में साधक पित्त है त्वचा में भ्राजक पित्त है यकृत के पास में रंजक पित्त है। तो सभी अग्नि अलग अलग जगह रहती है लेकिन पाचक अग्नि पे हम अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि हमें ग्रहणी चीज पे बताना वर्णन करना है। तो यह जो अवयव है ग्रहणी तो पूरा शरीर का हलचल जैसे होता है जो भी व्यापार हो रहा होता है शरीर में उसके लिए तेज महाभूत का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और जितना तेज अच्छा रहेगा उतना ही पांच भौतिक शरीर के लिए पांच भौतिक आहार का सेवन करेंगे तो हमें वैसे वैसे पोषण मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो मुंह कुहर से लेकर गुदके पर्यंत तक पचन क्रिया जो होती है पाचन संस्थान में होती है। उसके मार्ग में अवकाश जो रहता है वह आप महाभूत के वजह से अगर आ गया या पृथ्वी महाभूत के वजह से आ गया तो वहां पे अग्नि मंद होने लगती है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर अग्नि मंद होने लगती है तो कफ स्थान पित्त स्थान वात स्थान उस पे दुष्परिणाम आने लगते हैं।
और आहार का योग्य यथायोचित पचन नहीं होके वह अपक्वावस्था में ही बाहर फेंका जाता है। जब हम लोग अतिसार जैसे व्याधियां देखते हैं तो उसकी शुरुआत मुंह कुहर से ही होती है, जैसे कि अरोचक होने लगा, आस्य वैरस्य होने लगा, अनन्ना भिलाषा होने लगा, तो मतलब अतिसार व्याधि वहीं से शुरू हो जा रही है और जबरदस्ती खाया जा रहा है। जबरदस्ती खाया जाएगा तो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान द्रव्य ज्यादा खाए जा रहे हैं। आप धातु वर्धन होने वाले पदार्थ के सेवन करने से रसनेन्द्रिय जो है वहां पे शीत धर्म के वजह से परिणाम हो जाता है और जो रसनेन्द्रिय है वह वहां पे बोधक कफ का शीत गुण बढ़ जाता है और वहां पे जो संचार करने वायु जो है, संचार करने वाली वायु उस पर भी परिणाम होने लगता है और कफ दोष को साद्रता मिल जाती है बहुत ज्यादा। कफ जो है वह भी द्रव गुण से बढ़ जाता है। तो मुख कुहर से संचार करने वाला वायु जो है वह जो भी गीलापन है वह कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब गीलापन ज्यादा बढ़ने से द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका परिणाम होता है कि अरुचि उत्पन्न हो जाती है। आमाशय के पास जाने के बाद वहां पे पाचक पित्त, रंजक पित्त का कार्य जो है वह भी विकृत होने लगता है और तेज महाभूत का सामर्थ्य कम हो जाता है और उसकी वजह से अच्छा आहार रस नहीं बन पाता है। यहाँ पर पाचक पित्त न बल्कि रंजक पित्त को प्रधानता दी है, मतलब रंजक पित्त का ज्यादा यहाँ वर्णन किया जाता है पांच भौतिक चिकित्सा में। तो इससे क्या होता है कि आहार रस अच्छा से नहीं बनेगा तो अन्न विष तैयार होने लगता है और अपक्वावस्था में आहार ग्रहणी से जाते समय, ग्रहणी से ट्रेवल करते समय पाचक पित्त का जो ताकत है वह भी कम हो जाता है, जरन शक्ति कम हो जाती है और उसके वजह से फिर वह और यहाँ पे द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द्रवता इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि आंत्रों में उनका शोषण कार्य नहीं हो पाता है तो शरीर जो है वह क्या करता है कि बिना पचाए अपक्वावस्था में ही अति मात्रा में मल प्रवृत्ति होने लगते है और उसको हम लोग अतिसार बोलते हैं। यह अतिसार जब हो जाता है द्रवमल प्रवृत्ति, उससे पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया लेकिन उसकी अग्नि नहीं बढ़ाई और ग्रहणी कला नहीं ठीक किया तो वह ग्रहणी रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आप और तेज, इसका परस्पर संघर्ष चालू रहता है ग्रहणी रोग में। आप और तेज, जैसे आग जो है तेज महाभूत प्रधान है और आप है उसको बुझाने वाला है, तो आप जो है वो शीत योनि का है और तेज है वो उष्ण योनि का है। इस व्याधि में आप जो है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में शरीर में बढ़ जाता है और वह दूसरे के महाभूत के जगह पे आ जाता है, जहाँ पे तेज महाभूत का स्थान है वहां पे आप ज्यादा आ जाता है और इसके वजह से क्या होता है कि शरीर में आपका जो पचन जो है वह ठीक से नहीं हो पाता है और तेज महाभूत जो है वो मंद हो जाता है और उसके वजह से फिर वो वैसे के वैसे ही ढकेल दिया जाता है, उससे ग्रहणी दृष्टि और ज्यादा बढ़ने लगती है। शरीर के प्रत्येक अवयव के पोषण के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है, प्रत्येक अवयव की पोषण के अभाव होने की वजह से वह कमजोर पड़ जाती है और उसका परिणाम होता है कि एक अवयव पे पोषण नहीं हो रहा है, दूसरे पे भी नहीं हो रहा है, तो अतिसार व्याधि का परिणाम जो होता है वो दूसरे व्याधियों में भी कन्वर्ट होने लगता है, मतलब एक व्याधि से दूसरी व्याधि होने लगती है और मल का प्रवाहन जो रहता है वो इतना ज्यादा होता है कि आंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है और आहार के नियंत्रण करने, आहार को मतलब जब सार्कट विभाजन हो रहा है, मल बन रहा है, तो वह भी नहीं होने की वजह से रस और रक्त का पोषण जो है वह कम होने लगता है। फिर सुश्रुत सारिस्थान का ये इन्होंने रेफरेंस दिया है कि असृजः श्लेष्मजः चापि यह प्रसाद परो मतः तम पच्यमान पित्तेन वायुश्चाप्यनुधावति ततोऽस्य अन्तराणि जायते गुदम वस्तिष्य देहिना। मतलब कफ और रक्त और कफ का शोषण व्यवस्थित चालू रहने पे प्रसाद भाग का अग्नि से पचन होकर सार भाग का आंत्र से पोषण होता है और धातु का पोषण कम होने की वजह से आंत्र का पोषण भी नहीं हो पाता है, इसलिए बलहीन हुआ जो आंत्र है उसमें मल का पचन करने का सामर्थ्य नहीं रह जाती है और व्याधि की तीव्रता बढ़ती जाती है। जिस तरह का आहार लिया जाएगा उसी के हिसाब से प्रवाहन शुरू हो जाता है। फिर आहार में अगर स्निग्ध और गुरु पदार्थ अगर ज्यादा लिया जा रहा है, स्निग्ध और गुरु पदार्थ पार्थिव पदार्थ होते हैं, तो अजीर्ण जैसे व्याधियां होके फिर प्रवाहन शुरू हो जाता है और आप्य द्रव्य ज्यादा होने की वजह से साक्षात लूज मोशन होता है, जुलाब होने लगता है और उसमें दुर्गंधी आने लगता है, दुर्गंधी के साथ वहां पे खट्टापन ऐसे बहुत ज्यादा स्मेल आने लगता है। अगर वृक्ष आहार लिया जाएगा तो वृक्ष आहार जो है वो पित्त की द्रवता को शोषित कर लेगा और मल को थोड़ा सा बंधा हुआ आएगा, तो इसके वजह से कभी यहाँ पे अप्रवाही पना भी कम हो जाएगा, तो इसके वजह से मतलब गाढ़ा क्यों हो जाता है मल,
मलावष्टम क्यों होता है? क्योंकि रुक्षता बढ़ जाती है, वायु का प्रकोप होने की वजह से पित्त की द्रवता को सोच लेता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और अगर द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ गई है उस टाइम पे, द्रवता बढ़ गई है तो द्रवमल प्रवृत्ति, इसलिए मोहर बद्धम मोहर द्रवम, ऐसे मल प्रवृत्ति होती है। तो ये सब संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आप महाभूत से उत्पन्न हुए जो द्रव का शोषणत्व वो कम हो गया है, अग्निवर्धन कम हो गया है, अग्निमंद हो गया है, तो अग्निवर्धन करने की चिकित्सा हमें करनी पड़ती है, यही ग्रहणी की चिकित्सा होती है। तो इसलिए औषधि द्रव्य में स्वर्ण गैरिक और शुंठी ये औषधि का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जैसे लघु सूर्यकर जैसे द्रव्य है इसमें शुंठी के काढ़ा की भावना दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। शुंठी खुद ही स्वभावतः ग्राही होने की वजह से द्रवत्व का शोषण करने के लिए आंत्र को सहायता करता है, खुद भी करता है आंत्र को भी ताकत दे देता है। इसलिए लघु सूर्यकर रसायन के रूप में दिया जाता है, मतलब ज्यादा दिन तक भी दे सकते हैं। स्वर्ण गैरिक का जो काम होता है वो द्रवत्व का शोषण करने के लिए होने की वजह से वहां पे स्वर्ण गैरिक युक्त लघु सूर्यकर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से शुंठी का जो दीपन पाचन जो है वह कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है। शुंठी का आग्नेय धर्म जो रहता है वह जो रहता है स्वर्ण गैरिक या पार्थिव द्रव्य जो स्वर्ण गैरिक है उसको ना वो द्रवत्व का शोषण या बढ़ा देता है। द्रवत्व का शोषण होना बहुत जरूरी है, पार्थिव द्रव्य ही पानी को सुखाता है और शुंठी में तो है ही दीपन पाचन और ग्राही कार्य, लेकिन वो स्वर्ण गैरिक के शोषण करने का जो कार्य उसको और बढ़ा देता है, अग्नि को प्रज्वलित कर देता है और इसके वजह से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और इसीलिए लघु सूर्यकर कम मात्रा में भी आग्नेय गुणधर्म का वर्धन होने की वजह से वहां पे बहुत अच्छा काम करने लगता है। इसी तरह से आंत्र पे काम करने के लिए लघु सूर्यकर या स्वर्ण गैरिक अवस्था के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। सप्त धातु को बल देने के लिए और आंत्र पर जो भी दुष्परिणाम हुए कि मतलब वीक हो गए उसको ताकत देने के लिए प्रवाल भस्म और मंडूर भस्म ऐसे प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आंत्र की ताकत बढ़ जाती है। मंडूर और प्रवाल भस्म से शोषण करने की शक्ति बढ़ जाती है, आंत्र में पुरस्तरण क्रिया जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वह क्रिया अच्छी होने लगती है, रोगी को थोड़ा अच्छा होने लगता है। और फिर ये क्या होता है कि रोगी जो है अगर पथ्य पाले परहेज का पाले तो वह उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ जाता है। इसी तर्तरह से भस्मक रोग जो रहता है उसका अंतर्भाव ग्रहणी चिकित्सा में ही क्या है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा यदा शीर्ण कफे पित्तम स्वस्थाने पवनानुगम प्रवर्धम वर्धत्यग्निम तदा सो सोनिलो नलः पक्वान्नमाशु धातुंश्च सर्वान् योजश संक्षिपन मारे स्यात्यान स्वस्थो भुक्ते जीर्णतु ताम्यति त्रिकासद्र दहम मूर्छाद्या व्याधोत्यग्निम संभवः। इसका मतलब यह है कि जब कफ क्षीण हो जाता है, भस्मक रोग के बारे में देख रहे हैं, क्षीण हो जाता है कफ और पित्त जो है वो वायु की वजह से बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है, पित्त प्रकुपित हो जाता है वायु की वजह से, तो अग्नि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें अग्नि और वायु दोनों ही प्रकुपित हुए रहते हैं, विकृत स्वरूप से अग्नि और वायु बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि पक्वान्नमाशु धातुंश अन्न को भी पचा देता है, धातुओं को भी पचा देता है, ओज को भी वो पूरी तरह से नष्ट करने लगता है और अगर अन्न नहीं मिला तो वह मृत्यु तक लेके जाता है। और जब खाना खा लेते हैं तो उसमें थोड़ा स्वास्थ्य कुछ देर के लिए अच्छा लगता है। और इसमें भस्मक रोग में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, कास होता है, दाह मूर्छा आदि हो जाता है और अग्नि जो है बहुत ज्यादा प्रज्वलित होती है। इसलिए चिकित्सा करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, तमत्यग्निम गुरु स्निग्धम मंद्र सांद्र हिम स्थिर ही अन्न पान नन्येत शांति दीप्तम अग्नि विमांबु भी। मतलब इसमें हम लोग ऐसे गुरु और स्निग्ध मंद सांद्र हिम स्थिर ऐसे पदार्थों का प्रयोजन करते हैं, अन्नपान देते हैं कि अग्नि को शांत करे। अग्नि को शांत करना मतलब पित्त को, पित्त की जो उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई है उसको ये बैलेंस करे। अब आगे बताते हैं कि वायु या महाभूत जो है यह अग्नि का सहचर है, यह हम लोगों ने पढ़ा है कि वायु जो है वो अग्नि को और बढ़ाता है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, अग्नि सखा बोला जाता है, यह अभिप्रेत है। तो पित्त स्थान में वायु और कफ दोनों का अस्तित्व रहता है, क्लेदक कफ भी रहता है और पाचक पित्त भी रहता है, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान सम प्रकृति में है तो वायु और कफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और वायु जो है ये दोनों प्रकार दोनों के साथ रहता है। ग्रहणी रोग की चिकित्सा करते इस टाइम आप महाभूत का परिणाम बहुत ज्यादा अगर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, लघु सूर्यकर जैसे द्रव्य
प्रयोग करते हैं, मेडिसिन प्रयोग करते हैं जो जल शोषक है, उष्ण औषध है, तो इससे क्या होता है कि ग्रहणी के मार्ग में पित्त का उष्णत्व और तीक्ष्णत्व को नियमित किया जाता है और कफ जो आप महाभूत से बनाया हुआ है, कफ जो बढ़ा हुआ है द्रव गुण से और आप से बढ़ा हुआ है, उसको उसका गुणों का ह्रास हो जाता है, तो इससे पित्त के गुणों का नियमन हो जाता है। जो सूखा हुआ जो कफ है, सूखा हुआ कफ है और उसको पित्त, जैसे कि इन्होंने बोला भस्मक रोग में, भस्मक रोग में बहुत ज्यादा पित्त का क्षय हो जाता है, कफ सूख जाता है और पित्त का द्रव, पित्त का जो है वह स्वस्थान में द्रवता उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है, तो वहां पर हम लोग गुरु स्निग्ध मंद ऐसे द्रव्य का प्रयोजन करते हैं जो पृथ्वी और आप महाभूत हो, अम्ल धर्म पदार्थों का सेवन कराते हैं। वायु जो है वो योगवायु होने की वजह से वह क्या करता है कि दोनों के गुणों को बढ़ा देता है, पित्त को कभी भड़का देगा तो कभी कभी हमें उदर दाह भी होने लगता है, तो एक अवस्था रहती है। भस्मक रोग में भी एक अवस्था रहती है कि जो भी खाए पिए सब पचा देता है, फास्ट पचा देता है, उसमें कफ का गुणधर्म कम हो जाता है। अब चिकित्सा जो है, भस्मक रोग की चिकित्सा करने के लिए हमें ये बोला है कि पित्त स्थान का नियमन करना बहुत जरूरी होता है, कफ वर्धन हो ऐसे द्रव्यों की योजना करनी है। अत्यग्नि की चिकित्सा करते समय गुरु पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, मंद पदार्थ, सांद्र प्रसाद, सांद्र भाग, सांद्र अन्न और हिम और स्थिर, ऐसे अन्नपान का योजना करने के लिए बोला है। पंच महाभूत में अगर देखें तो भस्मक रोग जो है, अत्यग्नि जो है, भस्मक अग्नि, उसमें पृथ्वी और आप महाभूत का अगर हम लोग सेवन करें तो उससे वो बैलेंस हो जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि इससे क्या होता है कि कफ की वृद्धि होने की वजह से वायु जो है उसके गति पे भी परिणाम होके बैलेंस होने लगता है और भस्मक रोग में फिर भूख कम होने लगता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो हम लोग पार्थिव द्रव्य जो भी चीजें हम देते हैं उससे क्या होता है, पार्थिव तक और जलीय ये कम होने लगता है। उसी तरह से कामला रोग जो रहता है उसमें पहले ही पित्त बढ़ा हुआ रहता है और प्रवाह वेग जो रहता है वो कम हो जाता है, पित्त स्वस्थान में आकर उसमें क्या होता है कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन अगर करता है, पांडु रोगी के बारे में बोल रहे हैं, अगर पांडु रोगी पेशेंट है उसका पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करके पांडु रोग हुआ है और उसमें और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाए तो उसमें कामला रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसलिए चिकित्सा करने के लिए इसमें बोल रहे हैं कि पहले तो हमें पित्त को निकालना बहुत जरूरी है, कामला होने के लिए, शमन होने के लिए विरेचनीय द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है जो दूषित पित्त को निकाल दिया जाए, फिर अगर हमने अगर उसको नहीं किया गया, विरेचन नहीं किया और हमने केवल शमन चिकित्सा दे दिया कामला में और पित्त वैसे वैसे ही रहा तो आंत्र को बल जो है वो कम होने लगता है और फिर वो संग्रहणी का रूप ले लेता है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि पहले उनको कामला हुआ था, कामला के बाद उनको IBS हो गया, ऐसे भी हमें दिखते हैं, इसीलिए इसमें सबसे अच्छा है कि विरेचन देना चाहिए। और कामला के जैसे ही हलीमक और भी कुंभ कामला जैसी व्याधियां हो जाती है तो इसीलिए चिकित्सा करते टाइम हमें क्या करना है कि ताम्र भस्म का प्रयोग करना है। ताम्र भस्म जो है वो यकृत का उत्तेजना देता है, ताम्र भस्म कषाय मधुर तिक्त धर्म का होता है और शीत गुण का होता है तो इसीलिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। यह बढ़ा हुआ जो पित्त है उसको मूत्र मार्ग से निकालने के लिए बहुत, हाँ एक चीज और, ताम्र भस्म जो है ना ये क्या करता है, यकृत की उत्तेजना करता है, कषाय रस मधुर तिक्त धर्म का होता है। दूसरा, पित्त जो है वो मूत्र मार्ग से निकालने के लिए मूत्रल द्रव्य जैसे कि स्वदंष्टादि गुगुल इसका प्रयोग करना पड़ता है या मूत्र विरेचन करने के लिए स्वदंष्टादि गुगुल या ऐसे मूत्रल द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। मूत्रल द्रव्यों के साथ इसमें हमें ताम्र भस्म का प्रयोग करते हैं, मूत्रल द्रव्य स्वदंष्टादि गुगुल और ताम्र भस्म तो यकृत को भी उत्तेजना करेगा, पित्त को भी अच्छे से स्त्रवित करके और वो पूरे बॉडी में पाचन कर देता है ताम्र भस्म और पित्त का जो उष्णता तीक्ष्णता है उसको बैलेंस कर देता है, इसलिए कामला में बहुत अच्छा फायदा करता है। अभी आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, फिर यहाँ पे तीन केसेस बताएं वो मैं बोलूंगा। आप लोग को समझ आया मैंने जो भी बोला? जी सर बहुत अच्छे से। सर आपने एक जो भस्मक रोग में बताया ना तो उसमें जैसे आपने बताया कि गुरु स्निग्ध मंद और अग्नि को शांत करे जिससे कि पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस करे, वैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज करना चाहिए जिसमें पृथ्वी और आप महाभूत प्रदान अम्लधर्मी द्रव्यों का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है सर, तो इसमें आपने क्लेदक कफ और पाचक पित्त को बैलेंस करने के लिए बताया,
जो वायु महाभूत को भी मतलब जो कफ की वृद्धि करना है हमें, क्योंकि हम जो द्रव्य है वो कफ की वृद्धि करेगा और पित्त जो बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करेगा। और यहाँ पे सर मैं वायु को भी तो कंट्रोल में करना पड़ेगा क्योंकि वायु जो है वो... जब हम पृथ्वी और आप वाले द्रव्य देंगे, जैसे कि हम भैंस का दूध देते हैं तो अपने आप वायु भी बैलेंस हो जाता है। जब गुरु पदार्थ देते हैं, पृथ्वी आ गया तो वायु जो बह रहा है वो ज्यादा विकृत, वो अपने आप शांत हो जाता है। तो इसमें सर पांच भौतिक की तरफ चिकित्सा के कौन से द्रव्य यूज करेंगे? भस्मक रोग में गैरिक भस्म देते हैं। ओके हाँ, और बाकी तो इन्होंने ये द्रव्य नहीं बताया इसमें, ये जो मेरे पास किताब है इसमें ये नहीं बताया कि कौन से द्रव्य देने। इसमें से हमें पांच भौतिक में जैसे कि हम प्रवाल भस्म दे सकते हैं। ओके। और उसमें तो बताया ना कि मधुशिष्ट देना है, चरक संहिता में बताया कि हनी बी वैक्स देना है, फिर बहुत सारे ऐसे द्रव्य देने जैसे खीर खाने को लिए दिया, हलवा खाने के लिए दिया, जो गुरु पदार्थ है वो सब देने के लिए बोल रहे हैं। कफ की वृद्धि करे, खीर देंगे तो कफ की वृद्धि हो जाती है ना, खीर से बने पदार्थ, मतलब जो भी पचने में भारी है वैसे गुरु पदार्थ देना है। स्निग्ध हाँ। भी हो वैसे तो उसने माहिष दूध तो बताया है ना, भैंस का घी भी दे सकते हैं। क्षार धर्मी व्याधि को बैलेंस करने के लिए अम्ल धर्मी चीजें देनी है। ओके। और ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी का स्थिर गुण के वजह से वायु की गति बैलेंस हो जाती है। पृथ्वी का स्थिर गुण धर्म से वायु की गति बैलेंस हो जाती है और चलन वलन जो क्रिया है वह स्थिर हो जाता है। और हाँ सही है सर, तो उससे पित्त की उष्णता भी तो कम हो जाएगी और वायु जो है उसका भी बल कम हो जाएगा क्योंकि हम पार्थिव द्रव्य दे रहे हैं। और गुरु आदि जो है, गुरु ये सब जो द्रव्य दे रहे हैं, गुरु मंद सांद्र स्निग्ध, इससे क्या होता है कफ की वृद्धि होने लगती है। कफ की वृद्धि होने लगेगा तो वायु अपने आप उसकी गति का परिणाम होकर वह प्रकृष्ट होने लगता है, उसके भस्म रोग में भूख कम लगने लगता है। ओके, मतलब इसके अग्नि पे तो हमें काम करना ही है बेसिकली, लेकिन पहले वायु को कंट्रोल करने के लिए कफ की वृद्धि करने वाले गुरु और जो स्निग्ध द्रव्य है उसका यूज करना है। हाँ ठीक है। हाँ जी हेलो वैजी नमस्ते। हाँ प्रणाम, आप कैसी हैं? बस ठीक है वैजी। वैजी ये कामला के बाद आपने बताया ना कि जिनको हिस्ट्री होती है कि कामला हो चुका उनको ग्रहणी डेवलप होती है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत देखने को भी मिलता है और थोड़ा सा इसको लैबोरेट कर दीजिए वैजी। कि कामला कैसे होता है, अगर कामला व्याधि को हम लोगों ने पूरा अच्छे से पांच भौतिक ये सबसे देखा तो पहले यहाँ पे दोषों के हिसाब से बता रहे हैं। पित्त पहले ही भड़का हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, यहाँ पे पित्त आदेश भड़क ले अस्ते ऐसे बोला है। मैं मराठी बोलूं क्या, आप लोगों को नहीं समझ आएगा। ये बोल रहे हैं कि पित्त पहले से ही प्रकोपित है, पांडु रोगी ने बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया, तो उसमें क्या होता है पित्त जो रहता है वह पित्त को पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है और कामला रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि विरेचनीय द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, ये सभी को मालूम है। विरेचन चिकित्सा अगर नहीं किया गया और वो पित्त उधर ही रह गया और हमने शमन चिकित्सा देके बस छोड़ दिया और पित्त को नहीं निकाला, तो वह जाके पित्त जो है वह आंत्र की जो गति है उसको वीक कर देता है, बल नाश कर देता है और वह क्रॉनिक अवस्था में संग्रहणी ऐसे उपद्रव के रूप में करके फिर वो व्याधि के रूप में उत्पन्न कर देता है। इसीलिए पूर्व इतिहास में जो संग्रहणी के पेशेंट होते हैं उसमें कामला जरूर रहता है, ऐसा इन्होंने बताया। और ये बोले कामला का उपद्रव जो है वह कृष्ण पक्ष में जैसे रात बहुत ज्यादा घनेरी हो जाती है, अंधकार बढ़ता जाता है कृष्ण पक्ष में, उसी तरह से कामला का उपद्रव भी बढ़ जाता है, रोगी बेचैन हो जाता है। और इसमें कामला रोग में तेज महाभूत का उष्ण और द्रव गुण बढ़ने के वजह से अन्य धातुओं को अबलत्व आने लगता है। इस अवस्था में ताम्र भस्म का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ताम्र भस्म जो है वह पित्त शामक है, क्योंकि पित्त शामक द्रव्य कौन होने चाहिए तो तिक्त कषाय और मधुर रस होने चाहिए और ताम्र भस्म में वो सब मिलते हैं। और शीत गुण का है, ताम्र भस्म शीत गुणात्मक होता है, इसलिए वह पित्त का शमन कर देता है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को कम करता है, कषाय मधुर तिक्त रस से ताम्र भस्म उपयोगी पड़ता है। और दूसरा बता रहे हैं कि यकृत का भी उत्तेजना देता है, तो वहां पे जो पित्त जमा हुआ है उस सबको स्रवित करने लगता है उत्तेजना देने से। दूसरा बोल रहे हैं कि पित्त को मूत्र मार्ग से निकालना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मूत्रल द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए,
तो इसमें स्वदृष्टादि गुगुल वह क्या करते हैं कि पूरा पित्त को मूत्र मार्ग से क्लीन करने लगता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ताम्र भस्म को स्वदृष्टादि गुगुल के साथ देने से मूत्र विरेचन से पित्त पूरी तरह से निकल जाता है और स्वदृष्टादि गुगुल जो है वो शीत धर्म के वजह से पित्त का शमन करने में मदद करता है। मूत्र द्रव्यों के साथ करने से क्या होता है कि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मल के वेग को भी उत्पन्न मतलब मल को भी प्राकृत कर देता है, क्योंकि मल में भी बहुत ज्यादा पित्त जा रहा है कामला में तो पीलापन आ रहा है, जब हम मूत्र से निकाल रहे हैं और ताम्र भस्म जो है वो खुद भी दीपन पाचन करता है तो वो पित्त का पूरी तरह से बैलेंस कर देता है, तो मल के मल का भी जो एरिया है वो भी ठीक हो जाता है। बराबर है, थैंक यू। हाँ, और मूत्र मार्ग से अगर पित्त निकल गया तो रक्त में जो बढ़ा हुआ पित्त का गुणधर्म है वह भी बैलेंस होके कामला रोग ठीक हो जाता है। सर इसमें ताम्र भस्म की मात्रा कितनी रहेगी? ताम्र भस्म की मात्रा तो आधा चुटकी मतलब 125 का भी हाफ। ओके, इसका भी ताम्र भस्म ज्यादा देने से हुरलास होता है, आप लोगों को अनुभव आया होगा जी। हम लोग बहुत कम मात्रा में देते हैं मैंने तो अपने सर लोग के पास जो पांचवती करते हैं ना वो लोग 1/4 रत्ती उनके एक अलग से जैसे ये होता है ना चम्मच या अलग तरह का चम्मच होता है मैं ग्रुप में डालूंगा वो इतना कम मात्रा रहता है ना वो 80 चम्मच से निकालते हैं इतना कम मात्रा निकालते और डालते हैं पूरी में। सर स्वदृष्टादि गुगुल के स्थान पे और क्या प्रयोग कर सकते हैं अपन? किसमें किसमें स्वदृष्टादि मूत्रल के लिए? मूत्रल के लिए हम दोषों के हिसाब से जो अपना करते हैं तो चंद्र प्रभावटी गोक्षुरादि गुगुल पुनर्नवा गुगुल पुनर्नवासव गोखरु कर्ण पंचमूल कैसे भी हमें मूत्र मार्ग से पित्त को निकालना है कामला रोग में जी। और किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए, ये है ना बहुत ही ऐसे और डीप में जाने वाला है, इसमें बहुत ही ज्यादा दिया है अभी उतना टाइम नहीं है बोलने के लिए, मैं कल बोलूंगा इस पे। और आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, नहीं तो कल। ताम्र भस्म का अनुपान क्या रहेगा सर देने का? इन्होंने तो स्वदृष्टादि गुगुल के साथ देने बोले, मधु से दे सकते हैं? हाँ मधु के साथ दे दीजिए ना जी। कामला रोग में तो आरोग्य वर्धनी वटी ये भी लोग भी देते हैं ना, आरोग्य वर्धनी वटी फिर लघु सूर्य शेखर देते हैं और भी एसोसिएटेड क्या है तो ये लोग रजनी योग देते हैं, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो चिंचा लवण तेल देते हैं जो अनुलोमन करता है, चिंचा लवण क्षार धर्म्य और अम्ल धर्म्य का बैलेंस करके मल का अनुलोमन करता है, और रजनी योग जो है वो क्या है हल्दी जो है वो कैसे है अम्ल धर्मी है वो पित्त का शमन करता है कषाय रस से तिक्त रस से। ठीक है, आप लोग को और कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, नहीं तो हम कल बोलेंगे। एक मैडम ने लिखा है स्मिता शिंदे मैडम ने कि सर ऑटिज्म के लिए माइलस्टोन है ग्रहणी का कैसे रिवीजन है, मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इनकी ऑटिज्म ट्रीटमेंट में ग्रहणी की ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये बड़ा कोई आंसर है इसको कल भी कर सकते हैं। हाँ, इसका ही क्वेश्चन पूछा है मैडम। हाँ, स्मिता शिंदे मैम ने पूछा है कि ग्रहणी का और डिलेड माइलस्टोन का कैसे रहता है, तो इसमें क्या रहता है कि पृथ्वी और पृथ्वी जो है पार्थिवता वो कम हो गई है डिलेड माइलस्टोन में, पार्थिवता मतलब उसमें कैसा रहता है डिलेड माइलस्टोन में दो तीन टाइप के बच्चे रहते हैं ना उसमें, एक तो हाइपर एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव मतलब जिसमें पार्थिवता कम हो गई वायु ज्यादा बढ़ गया है ऐसे भी रहते हैं, या फिर मंद बुद्धि वाले रहते हैं तो उसमें तो वायु का क्षीण हो जाता है ऐसा रहता है। अगर आप कोरिलेशन से पूछें तो यह पित्त धरा कला सह मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है, तो हम लोग ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे पित्त धरा कला की चिकित्सा करेंगे तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट मज्जा धरा कला पे आता है, यह पित्त धरा कला सह मज्जा धरा कला। वैजी इसमें श्रुति मैम को भी मिला के फिर पढ़े तो और अच्छा लगेगा क्योंकि वो बच्चे हैं, श्रुति मैम को बोलिए ना इधर आए जी। जी ठीक है, ठीक है, तो अभी का सेशन बंद करते हैं, यही चीज हम पार्ट टू कल करेंगे और डीप में जाएंगे, मैं आज ही बहुत ज्यादा डीप में जाता है तो आप लोगों को ये नहीं होता, इसलिए पहले थोड़ा सा पढ़ना है फिर डीप में जाएंगे हम लोग कल। सर रजनी योग में क्या कंटेंट है? सर रजनी योग में हरिद्रा है मेन, बाकी बाकी आप देखिए मुझे बताइए
रजनी योग में हरिद्रा और गैरिक है। हाँ हरिद्रा और गैरिक है। ओके थैंक यू सर जी। हाँ गैरिक इसलिए डाला हुआ है कि वह मतलब पार्थिव द्रव्य है ना, वो शोषण करते हैं हर चीज को, ऐसा डाला हुआ है। जी सर जी ठीक है। हम एक बार मेडिसिन पे भी और भी चर्चा करेंगे, इनके रजनी योग पे, इनके लघु सूर्यचक्र पे, वो भी हम करते जाएंगे। अभी ग्रहणी कला पे हम लोग ग्रहणी रोग पे करते हैं। मंजिष्ठा और सारिवा वाला जो है ना सविता मैम, वो जिंगी कशा दी है, जिंगी मंजिष्ठा और सारिवा वाला। ठीक है सर। ये चिंचा लवण में क्या रहेगा? चिंचा लवण मतलब इमली, इमली और नमक और नारियल का तेल, नारियल का तेल। हाँ उसको सिद्ध किया जाता है। तो ये ना आप चिंचा लवण तेल एक चम्मच पीजिए, आप रात को पीजिए, आपका पेट अच्छे से सुबह साफ हो जाएगा। और सेफ ड्रग है, इतना बेस्ट है ना, कभी भी फेल नहीं होता। जो भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनको दे दीजिए आप, छोटे बच्चों को भी देते हैं ना, टेस्टी होता है पीने में, इमली का टेस्ट रहता है ना बहुत ही, और सस्ता रहता है। यूज करते हैं क्या इसको? मैंने किया है, मेरे सारे जो पाइल्स के पेशेंट रहते हैं। क्या कितनी रहती है डोज? मैं कभी आधा चम्मच, एक चम्मच इतना ही देता हूँ। सेंधा नमक, वो सिद्ध किया हुआ तेल रहता है ना, नारियल का तेल, तो पीने में बहुत टेस्टी रहता है। और जैसे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आए आपके पास, जिसको पाइल्स रहते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स, तो उसमें हम ऐसा अनुलोमन का द्रव्य ढूंढते हैं ना कि अच्छे से पेट साफ हो जाए, या छोटे बच्चों को, तो आप चिंचा लवण तेल थोड़ा सा पानी में मिक्स करके पिला दीजिए, पीने में भी अच्छा है, पेट भी अच्छे से साफ होता है। कभी कभी गड़बड़ी डायरेक्टली नहीं पी सकते, पानी में मिला के ही पीना है। कैसे भी ऐसे भी पी सकते हैं। कभी कभी गर्भिणी स्त्रियों में पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हम सोचते हैं क्या दें, तो लोग ज्यादातर गंधर्व हरिद्की देते हैं, लेकिन हरिद्की को कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया है, तो बहुत ऐसे सोचना पड़ता है कि हम गंधर्व हरिद्की दें कि नहीं दें, मनुका दें कि नहीं दें, ऐसे सोचना पड़ता है। चिंचा लवण देंगे ना, सेफ ड्रग है। सेफ ड्रग है सर, इसमें ऐसे कोई है ही नहीं कि वो प्रेगनेंसी में नहीं। अच्छा चिंचा लवण इधर नॉर्थ इंडिया में कोई अगर यूज करते हैं तो बताए, मैंने, मुझे यहाँ नहीं मिलता। सब सांगली में मिलता है, महाराष्ट्र में। मैं उसका प्राइस लिस्ट भेज देता हूँ, आप उनको कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको कुरियर कर देंगे सब। मैम इसको बना भी तो सकते हैं ना अपन? हाँ बना सकते हैं मैडम। आप लोगों ने किसी ने यूज किया है क्या? नहीं मैम, इसीलिए वो क्या मैं सोच रही कि आमवाद के पेशेंट में पर्टिकुलरली जहाँ पे सारे अनुलोमन द्रव्य फेल हो जाते हैं ना, वहाँ पे ये दे सकते हैं। मैम नमक वो दो प्रकार का होता है ना, सेंधा नमक, एक उपवास वाला और एक वो जो टेस्टी लगता है काला वाला, वो काला वाला नमक। काला नहीं वो सेंधा, तो सेंधा वाला के काला नमक अलग हुआ। हाँ तो ये सेंधा नमक ही प्रयोग करेंगे। मैम चिंचा का प्रयोग आमवाद में हम लोग वैतरण में भी तो करते हैं। हाँ, में करते हैं। तो बिल्कुल हाँ, आप बहुत अच्छा वो कर रही हैं उसको, तो अनुमान भी हो जाएगा। और हाँ, आप लोग एक काम करिए, वो जो कमल शेल के मैम है ना उनको कॉल करिए, वो सांगली की है। अच्छा। उनके घर के पास ही है वो सब चीज। ओके तो भेज देंगे सब चीज। चलो ये थोड़े थोड़े ड्रग्स मंगवा सकते हैं ऐसे। पुणे में भी मिलते हैं, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा उसमें, लेकिन फिक्स रहता है जो एमआरपी लिखा है ना, और सस्ता रहता है, मैं भेज दूंगा उसके शॉप पे। दीजिए सांगली वाला। हाँ। और हम लोग शुरू करते हैं चिंचा लवण और रजनी योग से, पहले मंगवा के देखते हैं, यूज करते हैं, फिर पंचभौतिक थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और यूज करते जाएंगे। और सस्ता है तो आप गरीब से गरीब पेशेंट तक जा सकता है पंचवती, गरीब से गरीब। जी सर। और मुझे ये एफिकेसी ज्यादा है, आप कम मात्रा में भी यूज करो फिर भी अच्छा रिजल्ट देता है। हम हाँ, लोग आयुर्वेद हाँ। के भी सारे बहुत सारे द्रव्य जानते हैं, लेकिन हमको बहुत सारे यूज करने पड़ते हैं, और यहाँ पे आप कम डोज में भी अच्छा मैनेज। आपको मालूम है मैंने 200 ml का बॉटल लाया था, और मैंने एक फैमिली को वो ड्रॉपर के साथ दे दिया था, सारे लोग यूज करते थे, एक महीना चला 200 ml, सभी पूरे सबको काम आता है। सर ये पंचभौतिक का बुक मंगाना है तो कैसे मंगाना पड़ेगा? कौन सा? ये पंचभौतिक चिकित्सा दाता सर का, इसके भी शॉप्स अलग होते हैं, सब जगह नहीं मिलता है, मैं भेज दूंगा आपको। ओके आई थिंक पूजा भावसार मैम ने एक लिंक भेजा था, सांगली से ही मंगवाते हैं ये सब, उसकी बुक्स और मेडिसिन वगैरह सब। हाँ। दाता शॉप का जो केंद्र है ना, पंचभौतिक केंद्र भी है, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके
और अच्छा ये मैम आप लिंक डाल दीजिए ना, आप और वेजी ड्रिंक ला दो, हाँ डाल दीजिए। पुणे में भी सब जगह नहीं मिलता है, पांचवती के अलग शॉप्स रहते हैं। हाँ। इतना सस्ता दवाई रहता है, इतना सस्ता रहता है कि क्या बताएं। जैसे आप लोगों ने होम्योपैथी की दवाइयां देखी होंगी, सबसे हाँ। सस्ती रहती है, वैसे ही इनकी दवाइयां सस्ती रहती है। सस्ती और सेफ भी, सेफ भी है सर, जैसे कि कोई व्यापक वगैरह होने का इसमें चांस ज्यादा रहता नहीं है। नहीं। अगर आप ग्रुप में लिंक डाल दो। हाँ ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल फिर इस पे ग्रहणी पे और चिकित्सा पे करेंगे। जी सर। ओके सर, प्रणाम सर। प्रणाम सभी लोगों को। रब सर बहुत बढ़िया, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।